एक्सरसाइज नंबर नाइन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर थ्री इन विच क्वारेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई हमने बताना है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल किस क्वार में लाई करेंगे जब पार्ट वन में हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दी गई है साइन थीटा लेस देन ज़ीरो होगा और कॉस थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा अब साइन थीटा इक्वल है नेगेटिव के क्योंकि साइन थीटा लेस दैन ज़ीरो है लेस देन ज़ीरो का मतलब होता है जीरो से छोटी वैल्यू सारी नेगेटिव में होती हैं इसलिए थीटा क्या होगा नेगेटिव होगा और ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि क्या होगा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो द टर्मिनल आम लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें यह तो पता है ना कि कॉस थीटा पॉजिटिव होता है बाकी सभी नेगेटिव होते हैं तो हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कह सकते हैं अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एम वो भी बिल्कुल मुफ्त 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 तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिपो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल